comes a part of a religion, then reward and punishment occurs. हर सिस्टम का जब अखलाकियात के साथ हिस्सा बन जाता है तो कौन से अमाल अच्छे हैं कौन से बुरे हैं ये हम खुद डिसाइड करते हैं. एंड द बेस्ट जज इन यू ऑन विच अलामा इज टॉकिंग अबाउट दैट इज योर हार्ट. इट डिसाइड्स. अपना जमीर जिंदा है तो हमें मालूम है हम क्या कर रहे हैं. इफ आई एम राइटिंग ऑल इन माई फेसबुक फ्राइडे पोस्ट, इफ यू आर ए करप्ट यू कांट बी अ गुड टीचर, can't be a good patriot, can't be a good olim, can't be a good student. Corruption jo hai na, that is heart of evil. Agar aap corruption karke aap apne aap ko olim kehlate hain, aap apne aap ko teacher kehlate hain, aap apne aap ko student kehlate hain, you are not answerable to anyone but before God. God doesn't want anything from you. He is complete. Koi masjid nahi chahiye, la makan. Koi rizq nahi chahiye, ghani. सब चीजें उसको हमको चाहिए. तो हमको चाहिए तो हम मांगने का तरीका, अल्लामा तबातबाई का कहना है कि फलसफे से जहन को साफ करिए, जहन में जब इनकलाब आएगा तो ये दुनिया बदलेगी. और इसी को खासतौर से अल्लामा इकबाल ने ये बात कही कि जहनों में जब तब्दीली आती है ये मकान जो है खस्त संग से जो बने हुए, ये मकान आपकी पहचान नहीं है, कारें आपकी पहचान नहीं है, ड्रेस आपका पहचान नहीं है, अमाल आपके पहचान है. जो दरवेशी में आदमी खुश रहता है, जिसको लास्ट में अल्लामा ने यह कहा कि नोसिस ऑफ गॉड, आप क्या फलसफे से जिंदगी को समझना है और इखलाक को बरतना है और राइट टाइप की नॉलेज हासिल करना है, और उसके बाद लास्ट में आपका मकसद ये होना चाहिए फॉर व्हाट वी आर ऑल डूइंग दिस. अल्लाह जन्नत में डाले तो उसकी मर्जी, जहन्नम में डाले तो उसकी मर्जी. आई लव गॉड, दैट इज वाई आई प्रे फॉर हिम ओनली. यू शुड नॉट बॉदर अबाउट योर पेरेंट्स, योर सिस्टर्स, मदर, सन्स, डॉटर, वाइफ. हर आदमी को अपने अमाल का हिसाब करना है. तो ये फलसफी लोग, अल्लामा तबातबाई या इस तरह के जितने भी लोग हैं, उनका ये कहना है कि आप अपने अमाल को सही तरीके से अगर पेश कर सकते हैं और कोई आपके लिए दुआ नहीं मांगेगा, क्योंकि हर एक आदमी क्या प्रॉब्लम है, लोटे में छेद हो तो पानी टिकता नहीं है, क्यों हम आपके लिए दुआ मांगेंगे. जब हमारा आप अपने मालिक से दो रकत नमाज हाजत खुद दुआ मांगे, ओ अल्लाह आई एम हैविंग फेसिंग सच टाइप ऑफ प्रॉब्लम, सॉल्व दिस प्रॉब्लम, कोई भी प्रॉब्लम, और उसके बगैर कोई नहीं कर सकता. इस दुनिया में दो बातें हैं जिस पर अल्लामा तबातबाई भी जोर देते हैं और कुरान की एक दो आयतों में पेश करके अपनी बात खत्म करता हूँ. वो ये है, अगर आप करप्शन से अपने पेरेंट्स को, अपनी बीवी को, अपने बच्चों को, अपने रिश्तेदारों को, इफ़ यू आर सर्विंग समथिंग आउट ऑफ करप्शन, और कल आप जब फंसेंगे ना, हेयर एंड वर्ल्ड हेयर आफ्टर बोथ प्लेसेस, इस दुनिया में भी जो अमाल गड़बड़ करेगा, हराम की कमाई बच्चों को खिला के देखिए वो बच्चे कैसे निकलते हैं. दो रुपए का पेन आता है मार्केट में, जब आप खरीदते हैं, आस्क द पर्सन व्हाट इज द प्राइस ऑफ दिस पेन, अगर वो कहे कि इस पेन की कीमत 10 रुपए है, आप कहें कि तो 4 रुपए का आता, आप 10 कैसे लगा रहे हैं, 4 का 5 लगा लीजिए. अगर तुम 5 या 10 लगाते हो तो 5 तक 6 तक तो चलेगा, 4 रुपए की बीमारी लेके जाओगे घर में और फोन कर लेना मुझे, आस्क द पर्सन. और जितनी देर तक आप उससे बहस करते रहेंगे, जन्नत के दरवाजे आपके लिए खुलते हैं कि आदमी फजूल खर्च नहीं है, वो पैसा किसी काम आए. ट्रीटमेंट ऐसा है, कबो बिल किस्ते वाल मीजान, हम जब दूध में पानी मिलाते हैं और कम तोलते हैं, वो क्लास में टीचर पढ़ाता नहीं है, स्टूडेंट पढ़ता नहीं है, तो कैसे अमाल सही हो जाएंगे हमारे, नमाजें हमारी कैसे सही हो जाएंगी, हज कैसे सही हो जाएंगे. एक तबका पूरा है जो आपको हज को ले जाने वाला है, उमरा में ले जाने वाला है, ज्यारतें करवाने वाला है. इफ आफ्टर हज, इफ आफ्टर ज्यारत, इफ देयर इज चेंज इन यू, यू कैन से दैट करबला में हम गए थे, इमाम को हमने देखा उस तरह, हजरत अब्बास की ज्यारत की, मदीना पाक गए, जनाब फातिमा को देखा, सबको देखा. आने के बाद हमारे यहाँ जहन में वो तब्दीली आई, अब जिंदगी में हमने जब नमाज पढ़ी, व्हेन आई सेड अल्लाहु अकबर, हमारे मुंह से गाली नहीं निकल सकती. दिस इज फिलॉसफी. और अगर हम वापसी आके उसी तरह आए, कोई चेंज नहीं हुआ, तो यू कैन रिपीट, यू कैन से व्हाटएवर यू लाइक, गॉड इज देयर. वो इतना रहीम और करीम है कि अगर आप गड़बड़ियां करेंगे और तवाबुर रहीम है, तो आपकी बातें माफ कर देगा. अगर वो माफ करने की बात है इतनी, तो उससे लेने क्यों क्यों आप पूछते हैं. मुसलमान सही कभी खुदकुशी नहीं करता, बिकॉज दैट पर्सन इज हैविंग गॉड.
ही ट्रस्ट इन गॉड, दैट इज वाई. और हमारे पास तो अलाउंसिस में पैंतन पाक और 12 इमाम और पता नहीं कितने वली औलिया सब मौजूद हैं सब, हम क्यों खुदकुशी करने लगे जब खाद पे गॉड पे ट्रस्ट है हमारा. याद रखिए, खुदकुशी वही करता है जिसका बिलीफ नहीं होता है. अल्लामा तबातबाई का ये कहना है कि इफ यू आर अवेयर दैट गॉड इज इन योर एट एवरी टाइम, खुदा आपके साथ आपका हिसाब किताब देखता है, आपके अमाल को देखता है, आपको बख्श देता है. एक नेकी करोगे तो 10 मिलेंगी और एक बुराई करोगे तो एक ही रहेगी. देन द क्वेश्चन इज दैट वाई वी शुड बो बिफोर अदर्स. इफ वी आर ट्रू टू आवर लॉर्ड, वी मस्ट बी ट्रू टू आवर पेरेंट्स, टू आवर टीचर्स, टू आवर स्टूडेंट्स. स्टूडेंट्स मस्ट नो दैट स्मोकिंग इज बैड. यू आर फेवरेबल, प्लोटेनस ने कहा था, बाकिरदार आदमी आर्टिस्ट हो सकता है, क्रिएटिव राइटर हो सकता है. प्रॉफिट ऑफ इस्लाम ने कहा, रसूल पाक ने कहा, हजरत अली ने कहा, मैं यरफा नफसू फकद अरफा रब्बू. अपने आप को पहचानो, अपने आप को बुरी आदतों में मत डालो, अपने दोस्तों को सिगरेट बीड़ी पान सबसे हटाओ. ये जो गुटके खा रहे हैं और जगह जगह घूम के कह रहे हैं कि हमारे पास पैसा है हम कुछ खा सकते हैं, जितना जल्दी जाना चाहें तो चले जाएं. वी नीड नॉट जस्ट टू कन्वर्ट पर्संस, इम्ब्रेस इस्लाम. अल्लाह को चाहता एक बटन दबा के सबको मुसलमान कर देता, हमारी जिम्मेदारी क्या थी? एक बटन से आप सब लाइट ऑन कर देते, ये हमारी जिम्मेदारी? कुलू बे अफवाहिम व लैस फी कुलूबिहिम, दिस इज देयर. हम जबान से कुछ कहते हैं, अंदर कुछ नहीं. तो कुलू लिना से हुसना, दिस इज द वर्स ऑफ द कुरान. लोगों में जब बैठो अच्छी बात करो, पर जो गलत किस्म की नोटिफिकेशन आए उसे हटा दो. ऐसी व्हाट्सएप नहीं चाहिए हमको. अच्छे किस्म की बात है, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है. यू मस्ट स्टडी गीता, ओल्ड टेस्टामेंट, न्यू टेस्टामेंट, होली कुरान. नॉट होली कुरान, जबानी याद करने से जन्नत नहीं मिलती. यहाँ जाओगे तब मत करना कि लतीफ काजी ने ये बात नहीं बताई. अल्लामा इकबाल के पास दो शेर सुना के मैं आपको और इसके अलावा जब भी को कम्युनिकेट करना चाहिए कर सकते. आई एम एन ओपन पर्सन, स्टूडेंट ऑफ फिलोसफी, एंड आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू. आपकी यहाँ पे वाइस चांसलर होती तो मैं उनसे कहता कि जितने मुस्लिम यूनिवर्सिटीज है, अभी हम रिसोर्स पर्सन में थे यहाँ पे इंडियन काउंसिल ऑफ फिलोसफी का रिसर्च में 3 दिन तक है, वहाँ हमने कहा कि इन इंडिया देर इज ऑनली वन यूनिवर्सिटी, दैट इज अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, इन विच ए फिलोसफी डिपार्टमेंट इज देयर एंड दैट रन 3 इक्वल स्ट्रीम. इंडियन फिलोसफी हम पढ़ाते हैं, वेस्टर्न फिलोसफी हम पढ़ाते हैं, इंडियन फिलोसफी मतलब इस्लामिक फिलोसफी हम पढ़ाते हैं. और आपकी दुआओं से ड्यूरिंग माई चेयरमैनशिप, माई वाइस चांसलर, आवर स्टाफ, अकेडमिक काउंसिल, दे एक्चुअली डिड ए ग्रेट जॉब. क्योंकि मैंने कोशिश की एक सेंटर खुल जाए सूफीज़म और इस्लामिक फिलोसफी के, विद द ग्रेस ऑफ गॉड दैट आई अकॉम्प्लिश दैट. और उसके लिए तालियां होंगे आपको. उसने करते करते इकबाल का एक शेर, क्योंकि इकबाल के बगैर बात पूरी नहीं हो सकती. उसने कहा कि बरतर अज गर्दू मकामे आदमियत आदमस्त, असल तहजीब एहतराम आदमस्त. आसान है, कोई मुश्किल नहीं है. और फिर एक और बात जो अल्लामा इकबाल ने कही है कि हरफ बद बर लब आवर्दन खतास्त, बुरा लफ्ज जबान पे आया तो बहुत बड़ा गुना है. फिर अगली बात कहते हैं काफरो मोमन हमा खलके खुदास्त, काफरो या मोमन हो अल्लाह बर्दाश्त कर रहा है, आप कौन होते हैं उसे बर्दाश्त नहीं कर रहा. लास्ट मैसेज स्पेशली विद रेफरेंस टू तबा तबाई और इस तरह के ऐसे बहुत लोग हैं, ईरानी थिंकर जिनको हम पढ़ाते हैं, मुर्तजा मुतहरी को पढ़ाते हैं, सईद हुसैन नसर को, हम वाशिंगटन में उनसे मुलाकात हुई, बहुत से लोगों से मुलाकात होती है. तो हम जरा टेढ़े से आदमी हैं तो उस तरह की बात नहीं करते जिस तरह का आप लोग पसंद करते हैं. इसमें लास्ट में अल्लामा इकबाल का ये शेर है, फितरत मुस्लिम सरापा शफकत अस्त. आसान समझ मार है, मुसलमान की फितरत है कि पूरे का पूरा मर्द हो या औरत रहमत ही रहमत. आई थिंक इफ यू आर एबल टू अंडरस्टैंड नो नीड फॉर इट्स ट्रांसलेशन इन इंग्लिश ना. और दर जहां दस्तो जबानश रहमत अस्त, यहां चक्कर है, दर जहां दस्तो जबानश रहमत अस्त, इस दुनिया में उसके हाथ और उसकी जबान से रहमत ही रहमत है, किसी को तकलीफ नहीं पहुंचती. अगर इस तरह के आप हैं और दुआ मांगते हैं अल्लाह ताला इसे जन्नत नसीब करे, इसके बदले ये दुआ मांगे कि अल्लाह ताला इस पर राजी हो जाए, जन्नत न तो बात की बात है.
तो सूफियों का जो सबसे बड़ा है, आई एम हियर टॉकिंग स्पेशली एक्टिव सूफीज्म, नॉट पैसिव सूफीज्म, दोज पर्सन हु आर सिटिंग आउटसाइड देयर हाउसेज एंड नेग्लेक्टिंग ड्यूटीज, दे आर नॉट सूफी इन दैट वे सेंस। थैंक यू वेरी मच।